नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पूर्व चिकित्सा अधिकारी पर आरोपों की जांच के लिए पहुंची डीजी हेल्था। खबर देवभूमि। उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार शर्मा पर लगे भ्रष्टाचार सहित अन्य गंभीर आरोपों की जांच करते हुए अनेक शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार ने अस्पताल से रोगियों को रेफर करने, क्षेत्र में अपंजीकृत हॉस्पिटल को बढ़ावा देने, वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने सहित अनेक आरोप लगाए गए थे, तथा मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने शिकायत कर कहा कि सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसके बाद भी अस्पताल रेफर केंद्र बना हुआ है सहित अनेक शिकायतें, जैसे पूर्व चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल से रिलीव होने के बाद सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ की, बैकडेट में चेक काटकर खातों से पैसे निकालने, सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अपने साथ ले जाने आदि शिकायतों से भी अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 6 वर्षों से अधिक समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रहने के बाद भी आखिर वह जाना क्यों नहीं चाहते, इसकी भी निष्पक्ष एवं गहनता के साथ जांच की जाए। वहीं इस संबंध में मीडिया से रूबरू होते हुए महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि शासन ने उनकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सविता हयाकी, निदेशक डॉक्टर शिखा जंग पांगी 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति आरोपी की जांच कर रही है, जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और इसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जांच करने के लिए हम कमेटी बैठी हुई है और सभी के बयान लेंगे, सभी पक्षों के, और उसी के बाद हम डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्द है, अब जांच कितनी शिकायतें आती हैं और उसमें कितना लंबा टाइम लगता है ये कहना भी जल्दी है। अरे हम लोगों ने 2 लोगों के बयान लिए हैं, लेकिन हम फर्दर जिन्होंने शिकायत कर रहे हैं उनकी भी बयान लेंगे, और कोई भी वॉलेंटरीली रहना चाहते हैं और उचित जिसको भी समझेंगे शिकायत के आधार पर उसके भी बयान। अच्छा, माननीय शासन स्तर से हमें आदेश मिले हुए हैं, ये शासन स्तर पर ही पता चलेगा कि किस कारण से यहाँ बैठे हैं, हम तो आदेश के पालन में यहाँ पर आए हुए। जांच के आदेश किए गए थे, उस पर जांच आख्या प्राप्त हो जो हुई थी वो शासन को भेज दी थी, हो सकता है संभवतः शासन ने उसी कंसर्न में एक उच्च कमेटी बनाई। वर्तमान हमारे स्टेट स्तर से तो आदेश हो चुके हैं कि कोई भी अटैचमेंट सब खत्म हुए हैं, खत्म किए गए हैं, लेकिन तो कहीं कहीं स्थानीय व्यवस्था में जरूरत समझने पे आवश्यकता अनुसार अटैचमेंट किए गए। उन्होंने क्या करा कि मुझे देखने लगे कि कौन फूल तोड़ा है, तो मैं थोड़ी नहीं छोड़ा, दोनों कहा उन्होंने थोड़े मिल गया था चाय के लिए, पूजा के लिए, बोले कि वो उसमें रोना चल रहा था, उससे जिसकी भूखी थी वो गाटी, उससे कहने लगे अरे भाई यहाँ तो वो आया और आके सबके साथ इतना गलत व्यवहार है, शराब पी करके नाचना, स्टाफ के साथ नाचना, ये वाला कमरा पीछे अपना कमरा पीछे सब शराब का अड्डा बना रखा है, एक शराब का अड्डा है, ये कमरा शराब का अड्डा है, तभी पता नहीं विवाद मोहन है क्या आया, कोई उनके पास में आएगा आप ये क्या करते हैं, हम लोग के साथ में इसने का व्यवहार शराब का भी।